Hey guys, welcome on this channel Waves of Biology. आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं लंग्स के एपेक्स, बेस, बॉर्डर एंड सरफेसेस के बारे में, जो कि एनाटॉमी ऑफ लंग्स को समझने के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इन द प्रीवियस वीडियो मैंने आपको कुछ इंट्रोडक्शन दिया था अबाउट द लंग्स एनाटॉमी. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डेफिनेटली उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए. डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक ज़रूर मिल जाएगा. तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो. सो हम बात करेंगे सबसे पहले एपेक्स ऑफ द लंग्स के बारे में, जो कि ब्लंट होता है एंड इट्स लाइज अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि जो एपेक्स होता है वो कहाँ होता है, लाइज अबव. तो ध्यान रखना है ए से है, लाइज अबव द लेवल ऑफ द एंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. अब इस चीज़ को याद कैसे रखेंगे, तो इसके लिए मेरे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी ट्रिक है. और वह ट्रिक कुछ इस तरीके से है, जैसे कि हमने कहा कि ए से क्या है, एपेक्स. ए क्या है, इट इज़ द फर्स्ट अल्फावेट. सो ए से एपेक्स हो गया, ए से अबब हो गया, ए से इंटीरियर हो गया, और फर्स्ट अल्फावेट है तो क्या होगी, फर्स्ट रिब. ध्यान रहेगा सबको, ए इज द फर्स्ट अल्फावेट, एपेक्स अबब द लेवल ऑफ इंटीरियर एंड ऑफ द फर्स्ट रिब. आफ्टर दैट हम बात करेंगे बेस ऑफ द लंग्स के बारे में, जो कि सेमी लूनार होता है, मतलब कि कुछ इस तरीके का होता है. ठीक है, सेमी ल्यूनार, या इसको हम बोलते हैं कॉनकेव शेप जो होती है. इट रेस्टेड ऑन द डायफ्राम, डायफ्राम के ऊपर रेस्ट करता है बेस ऑफ द लंग. डायफ्राम जो है विच सेपरेट द राइट लंग फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर. डायफ्राम का काम क्या है, वो हमारी थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के जो भी कंटेंट है उनको उनको सेपरेट करता है. तो अगर हम राइट साइड ऑफ द बॉडी के बारे में बात करें तो राइट लंग को वो सेपरेट करता है फ्रॉम द राइट लोब ऑफ द लिवर से, एंड लेफ्ट लंग को वो सेपरेट करता है फ्रॉम द लेफ्ट लोब ऑफ द लिवर, फंडस ऑफ स्टमक एंड द स्प्लीन से. ओके, सो ये हो गया बेसिक अबाउट द बेस. नेक्स्ट हम बात करेंगे बॉर्डर्स ऑफ द लंग्स के बारे में. अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आपको ट्रिक्स भी याद नहीं होंगी, मैंने बहुत सारी ट्रिक्स भी बताई थी इन चीज़ों को याद करने के लिए, तो आप प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा. बॉर्डर्स होते हैं इसके तीन, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर एंड द लास्ट वन इज़ द इन्फीरियर बॉर्डर. सो एंटीरियर बॉर्डर जो है वो थिन होता है, मतलब कि अगर ये लंग्स हैं, क्योंकि बहुत ही अच्छे तो नहीं बन रहे, मैं ये लेफ्ट लंग बना रही हूँ. ठीक है, ये हो गई कार्डियक नॉच, ये हो गया उसका एपेक्स, दिस वन इज़ बेस, थोड़ा सा बेस ऐसे बनेगा. ठीक है, बेस, तो ये वाला जो बॉर्डर है इसको हम बोलते हैं एंटीरियर बॉर्डर. ओके, सो एंटीरियर बॉर्डर इज अ थिन एंड शॉर्टर देन पोस्टीरियर बॉर्डर. पोस्टीरियर बॉर्डर मैं आपको इसमें शो नहीं कर सकती, बट जो इंटीरियर बॉर्डर होता है वो थोड़ा छोटा होता है देन द पोस्टीरियर बॉर्डर. द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट लंग शोज अ वाइट कार्डियक नॉच. तो जो लेफ्ट लंग होता है उसके एंटीरियर बॉर्डर पे एक वाइट कार्डियक नॉच होती है, मतलब कि यहाँ पर हार्ट प्रेजेंट होता है ना, सो इसलिए यहाँ पर एक कार्डियक नॉच बन जाती है बिलो द लेबल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज. फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज के नीचे वहाँ पर क्या बनती है, कार्डियक नॉच. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन कभी पूछा जाए कि कार्डियक नॉच कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो यू हैव टू गिव द आंसर दैट इट इट इट्स प्लेस या फिर इट्स सिचुएशन या इट्स पोजिशन एंड द बॉडी इज बिलो द लेबल ऑफ फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज. आफ्टर दैट है पोस्टीरियर बॉर्डर, जो कि थिक होता है और इल डिफाइंड होता है, और मैं आपको डायग्राम में भी नहीं दिखा सकती क्योंकि जब तक हम 3D इमेज ऑफ लंग्स नहीं देखेंगे तब तक हमें चीज़ें क्लियर नहीं दिख पाएंगी. आफ्टर दैट हम बात करते हैं अबाउट द इन्फीरियर बॉर्डर. इन्फीरियर बॉर्डर सेपरेट्स द बेस फ्रॉम द कॉस्टल एंड मीडियल सरफेसेस. देखो अब ये होता है बेस, ठीक है, ये बेस है, तो ये सेपरेट करता है इन्फीरियर बॉर्डर. यहाँ पे इन्फीरियर बॉर्डर होता है, जो कि मैं आपको शो नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ डायग्राम. मैं एक नेक्स्ट वीडियो में आपको थोड़ा सा डायग्राम भी दिखाऊंगी तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. और अगर आपके पास बीडी चौरसिया की बुक है या फिर कोई और सी बुक है तो उसमें आप डायग्राम अच्छे से देख के समझ सकते हो कि इन्फीरियर बॉर्डर नीचे कैसे होता है. इसके लिए आप आज थोड़ा सा काम कर लो कि आप गूगल खोल लो या फिर अपनी वही बुक खोल के देख लो. वैसे तो मैं अपने वीडियोज़ के अंदर सारी चीज़ें इन्वॉल्व करती हूँ, बट आज यहाँ पर मैं आपके लिए डायग्राम नहीं ला सकी. तो डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा कि सेपरेट द बेस फ्रॉम द कॉस्टल एंड द मीडियल सरफेस. क्योंकि मैंने बताया था कि लंग की दो सरफेसेस होती हैं, एक होती है कॉस्टल सरफेस, दूसरी होती है मीडियल सरफेस. और जो मीडियल सरफेस होती है उसको हम डिवाइड करते हैं दो सरफेसेस में, वर्टिबल सरफेस एंड द मीडियास्टाइनल सरफेस. सो कॉस्टल सरफेस ये कैसी होती है, लार्ज होती है. कॉस्टल मतलब कि जो आगे वाली सरफेस है, ठीक है, जैसे कि मान लो लंग है
कहाँ पे बनाऊँ, यहाँ पे बना देती हूँ, जैसे कि अगर मैं लंग का फोटो सा बना रहे हैं, छोटा सा बहुत गंदा सा बनाया मैंने, तो ये जो सामने वाला पोर्शन आपको दिख रहा है दिस वन इज अ पोस्टल। अगर हम ये ऐसे करके मान लो ये लंग रखा हुआ है, सो चलो मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसे हाथ से ही रिप्रेजेंट कर देती हूँ। मान लो ये है हमारा लेफ्ट लंग, यहाँ पर हमने बनाई एक कार्डियक नॉच, ठीक है। ये रहा इसका एंटीरियर बॉर्डर, दिस वन इज अ बेस, ये रहा एपेक्स, ठीक है। उसके अलावा यहाँ यहीं पे नीचे आता है क्या, इंफीरियर बॉर्डर बेस पे ही। और अगर हम सरफेस की बात करें तो दिस वन इज अ कॉस्टल सरफेस, एंड उसके अपोजिट में क्या होगी, मीडियल सरफेस। ओके, तो बेसिक क्लियर हो गया। कॉस्टल सरफेस क्या है, इट्स अ लार्ज कॉन्वेक्स कॉन्टैक्ट विद द थोरेसिक प्लूरा, सामने की साइड में है, ये वाली सामने की साइड में है, तो ये किससे कॉन्टैक्ट में रहेगी, विद द थोरेसिक प्लूरा। आफ्टर दैट मीडियल में आती है, दो वर्टिबल पार्ट्स आते हैं और एक मीडियस्टर्नल पार्ट आता है। सो वर्टिबल पार्ट्स किस किस से रिलेटेड है, इसकी रिलेशन किस किस से है। सो वर्टिबल पार्ट्स किस किस से रिलेटेड रहता है, विद द वर्टिबल बॉडीज। वर्टिबल पार्ट्स मतलब कि पीछे वाला, देखो जो मीडियल सरफेस है वो पोस्टीरियर सरफेस की तरीके से हम बात कर रहे हैं, मतलब कि इस सरफेस की बात कर रहे हैं। तो अगर ऐसे लंग होते हैं, जैसे लंग है तो ये आगे वाला तो रिप्स से होगा तो उसका नाम दे दिया कॉस्टल। पीछे वाले में क्या होता है, पीछे क्या होता है, वर्टिबल प्रेजेंट होते हैं, तो वर्टिबल पार्ट्स रिलेटेड विद द वर्टिबल बॉडीज। इंटरवर्टिबल डिस्क, इंटरवर्टिबल डिस्क क्या होती है, दो वर्टिब्रा के बीच में, जैसे कि दो वर्टिब्रा है, बन नहीं पा रहा, मान लो ये दो वर्टिब्रा हैं, ये अलग अलग दो वर्टिब्रा हैं, तो इनके बीच में जो स्पेस है इसको, सॉरी जो डिस्क है उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिबल डिस्क, और उसमें जो स्पेस होता है उसको इंटरवर्टिबल स्पेस बोलते हैं। चलो वो हम कभी और डिस्कस करेंगे। तो पोस्टीरियर पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल्स, ठीक है, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल्स होती हैं पीछे वाली, क्योंकि मीडियल साइड पे है, मीडियल साइड पे है, तो इसमें कौन सी होगी, पोस्टीरियर इंटरकॉस्टल वेसल्स होंगी। और होती है स्प्लैंचिक नर्व्स। सो स्प्लैंचिक नर्व्स कौन सी होती हैं, बेसिकली स्प्लैंचिक नर्व्स वो होती हैं जो कि हमारे वाइटल ऑर्गन्स को सप्लाई करती हैं, उनको हम बोलते हैं स्प्लैंचिक नर्व्स। इसके अलावा डिस्कस करेंगे हम कभी डिटेल में स्प्लैंचिक नर्व्स को इन अनदर वीडियो। आफ्टर दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द मीडियस्टाइनल पार्ट। सो मीडियस्टाइनल पार्ट इज बेसिकली रिलेटेड विद द मीडियास्टाइनल सेप्टम। सो गाइज, आई थिंक यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक देन प्लीज हिट लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड इफ यू एनी क्वेरी जस्ट फील फ्री टू कमेंट बिलो। एंड गाइज, अगर आप होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, उस चैनल का नाम है पिकअप लाइफ। आगे मैं इस चैनल का नाम जरूर चेंज कर दूंगी, बट आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उन वीडियोज़ को जरूर देखिए। इसके अलावा मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, उन सारी वीडियोज़ को देखिए, अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी और पैथोलॉजी के वीडियोस आपको मेरे इस चैनल पे मिलते रहेंगे। तो देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट।